आज जो अहम फैसले हुए हैं उनमें एहतसाब का अमल वज़ीर आज़म और काबीना ने अपने से शुरू करने का फैसला किया है। हमने फैसला किया है कि वो तमाम एसेट्स असासे जो पहले से डिक्लेयर है उनको दोबारा काबीना जो है वो अवाम के सामने रखेगी और हर किस्म का जो अवामी और कानूनी एहतसाब है काबीना उसका सामना करेगी, वज़ीर आज़म साहब उसका सामना करेंगे। तमाम काबीना के अराकीन का बैरून मुल्क इलाज की सहूलत वापस ले ली गई है। वो अब सरकारी खर्चे के ऊपर बैरून मुल्क इलाज जो है किसी वजीर का नहीं हो सकेगा। इसके साथ दूसरी अमूमी प्रॉपर्टीज हैं, एक हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, तारीखी प्रॉपर्टीज और एक अमूमी प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें कमिश्नर्स के घर हैं बहुत बड़े बड़े, डेप्टी कमिश्नर्स के बहुत बड़े बड़े घर हैं, आईजीज के बहुत बड़े बड़े घर हैं। अमूमी प्रॉपर्टीज का जायजा लेने के लिए जो असद उमर साहब की जेर निगरानी एक कमेटी बनाई गई है, इसमें अब्दुल रजाक दाऊद साहब भी शामिल होंगे, खुसरो बख्तियार साहब शामिल होंगे, फिर सूबों से, जाहिर है बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो सूबों की मलकियत है।